देखो भाई, पिछले वाले क्लास में हम लोग स्ट्रेट लाइन पर काम कर लिए थे, ठीक है। आज वाले क्लास में हम लोग शुरू करें दैट इज सर्कल, ठीक। और फिर कह रहे हैं होता क्या है, नहीं होता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बस जैसे बता रहे हैं वैसे यूज करना है, ठीक है। और ग्राफ बनाने की आदत डाले, ठीक है। क्योंकि अगर जो तुम जैसे आपके साथ एक सीनियर है, ठीक है, जिनका वो पिछले साल बेचारी क्लास लेट से ज्वाइन की थी, तो जितना हो सकता है वो आप लोग के एंड पर करा देते हैं उनका, है ना। चाहो तो उनसे भी कम्युनिकेट करोगे तो हो सकता है, मैं ही जब टेस्ट लेता हूँ, ठीक, या वो जेई मेन जेई एडवांस का क्वेश्चन पेपर देखी होगी क्लियर, तो हर चार, या मेडिकल में भी, ये नहीं कि मेडिकल सुहानी मेडिकल वाले पोर्शन के लिए है तो वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। है क्या कि तुम 10 क्वेश्चन देखोगे ना, 10 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पक्का ग्राफ से होगा, पक्का ग्राफ आ जाएगा, कंफर्म, ठीक, आना है। इसलिए ग्राफ आप पहले बाद में तो सीखोगे नहीं, अच्छा मैथ्स वाले सर जब कराएंगे तब कराएंगे, ठीक, यूज हमको आ जाएगा पहले से, पहले ही से आ जाएगा। देखो ना वो लोग हाँ, काइनेमेटिक्स में खूब ग्राफ यूज में आता है, खूब यूज में आता है, ठीक है। और सर्कल ये लोग अभी शायद पढ़ रहे हैं, जो आपके सीनियर बैच है वो सर्कल अभी पढ़ रहे हैं, हम काइनेमेटिक्स पढ़ाते हैं अभी से लगभग, ऐसा समझ लेना वो पढ़ा है जनवरी में नहीं, अक्टूबर नवंबर, यानी अभी से 6 महीना पहले पढ़ रहा है, ठीक है। और मैथ्स वाले सर उसको अभी पढ़ा रहे हैं, क्या कहते हैं, सर्कल, बात समझ में है ना। तो एक बहुत बड़ा गैप है, क्लियर, और उतने देर तक हम लोग इंतजार नहीं कर सकते, इसलिए ग्राफ बनाना जैसे है वैसे यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा हाँ, आप लोग को ये बात बोल दे रहा हूँ कि हो मतलब कंफर्म आप लोग का क्लासेस अगले वीक से मैथ का शुरू हो जाएगा, मैथ का, ठीक है। कुछ कारण से उनकी वाइफ ही हॉस्पिटल में है, तो कोई भी फैमिली मेंबर और जो हॉस्पिटल में हो तो उसमें भी आज डिस्चार्ज हो जाए या कल, कल मतलब आज से कल में उनका डिस्चार्ज हो जाए तो चीजें थोड़ी बैलेंस हो जाए। चलिए क्या कहते हैं, सर्कल, सर्कल के लिए सोचो एक नॉर्मल सा बात, ठीक है, कि जब हम कहेंगे, अभी मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, अच्छा आज शायद डेट 15 है ना या 14 है, 15 सर, 15, ठीक। तो ये वाला पोर्शन जैसे ही वीडियो भी ऑन होगा तो कंफर्म रहना कि हम लोग का 14/5/2021 वाले क्लास के लिए, ठीक है, ये वाला पोर्शन है, मतलब कंटिन्यूटी मेंटेन रहे कि हाँ वीडियो वाले पोर्शन में क्या जाएगा, क्लियर। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल पे जब काम करना शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है, तो जो बोल रहा हूँ वो आराम से सुनना पहले, ठीक है, क्या होता है नहीं होता है इससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ने के पहले हम लोग ऐसे तो हम लोग पढ़ते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ कोनिक, ठीक, ऐसे हम लोग को शुरुआत करना चाहिए, शुरुआत ही करना चाहिए सर्कल से पहले कोनिक, ठीक। अब कोनिक डजंट मैटर, या स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ कर्व, ठीक, कुछ भी लिख सकते हो, है ना। तो ये होता था, ये जो होता है वो होता है ax2, ये मैथ्स वाले सर तुमको इसमें खूब काम कराएंगे, by2x2 + 2hxy + 2gx + 2fy + c = 0, ठीक है, समझ में आ रहा बात, कि ये वाला पोर्शन ax2 + by2 + 2hx, इसमें सब कुछ है, ठीक। अब सब कुछ कहने का मतलब क्या, ये रियलिटी में जितना चीज आपको 11th में पढ़ना है, पूरा पूरा एक किताब पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा, ठीक, वो सब कुछ इसी लाइन में है। अब इस लाइन में कैसे, ये रियलिटी में, ठीक, ये रियलिटी में ऐसे सोचो जो मैं लिख रहा हूं, अगर जो वो बात समझ में आए तो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ
टू स्ट्रेट लाइन है। ये बात पकड़ में आया नहीं आया? ये रियलिटी में मल्टीप्लीकेशन आराम से समझना, ठीक है, थोड़ा कष्ट है, और एक बार जब पकड़ में आ जाएगा तो हाँ खुशी, शायद ये सब चीज आपको मेरी पता हो अभी, ठीक है, लेकिन थोड़ा तुम धैर्य रखना जब तक सर्कल का ग्राफ नहीं बनवाना शुरू करना। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन कैसे है सोचो, तो हम बोले समझना a1x b1y लिखने की जरूरत नहीं है प्लस c1 = 0, क्या यह स्ट्रेट लाइन है? हाँ या ना? ये जो मैंने लिखा क्या यह स्ट्रेट लाइन है या नहीं? यहाँ पे x पे पावर 1 और y पे पावर 1, तो स्ट्रेट लाइन, ठीक। वही सही सोचो, a2x + b2y + c2 ये स्ट्रेट लाइन होगा कि नहीं होगा? Yes, ठीक है। अब देखो इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो चेक करो ये क्या हो गया, a1 a2 x2, ठीक है, इससे इसको मल्टीप्लाई करता तो क्या लिखता, a1 b2 x y, इससे इसको मल्टीप्लाई करेगा क्या लिखोगे, a1 c2 x, इससे इसको मल्टीप्लाई करेगा क्या लिखता, a2 b1 x y, ठीक है, इससे इसको मल्टीप्लाई करेगा क्या लिखोगे, b1 b2 y2, इससे इसको मल्टीप्लाई करेगा क्या लिखोगे, नीचे लिखा इससे इसको, यानी b1 c2 y, इससे इसको मल्टीप्लाई करो क्या लिखोगे, c1 a2 x, इससे इसको मल्टीप्लाई करो c1 b2 y, इससे इसको मल्टीप्लाई c1 b2 = 0, ठीक है। अब सोचो जो बोल रहा हूं वो समझना, इसी को इलाबरेट कर रहा हूं, ठीक, a1 a2 x2, ये वाला पोर्शन लिखता हूं, b1 b2 y2, अब एक्स वाई वाला टर्म एक साथ करते हैं तो देखो, तो एक्स वाई और एक्स वाई क्या लिखता, a1 c2 + a2 b1 x y, ठीक है। अच्छा अब एक्स वाला टर्म एक साथ करते हैं तो ये और ये एक साथ आ जाएगा, यानी a1 c2 + a2 c1, ये x हो जाएगा, ठीक। y वाले टर्म को एक साथ करते हैं यानी a1 b2 होगा, a1 b2, ये सर xy वाला में, अच्छा ठीक है, वो छोड़ना, उतना क्या दिमाग लगाना, समझाना है ना जल्दी से, इसका जरूरत भी नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए करा रहा हूँ। कहा गया b1 c2 और c1 b2 = y और +c1 c2 = 0, ठीक है, क्लियर। अब सोचो क्या इस दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो तुम लोग, हाँ या ना, ये बात बताओ, yes, कर सकते हो ना? अब देखो यहाँ पे जो a लिखे है ना वो a1 a2 का मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ जो b लिखे हैं वो b1 b2 का मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे जो 2h की वैल्यू है वो ये है ये, ठीक है, यहाँ जो 2g की वैल्यू है वो ये है, समझ में आ रहा? Yes, sir. ठीक है, हमको नहीं मतलब है इससे, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक, लेकिन मेरा धर्म था बताना कि मैंने जो लिखा है वो क्या है, ठीक है। तो ये जो लिख रहे हैं ना वो रियलिटी में ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन का मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं रियलिटी में बोलते हैं क्या, ठीक है, वो हम रियलिटी में बोलते हैं क्या कहेंगे, दैट इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ कोनिक, ठीक है। अब इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जहां से काम कर रहे हैं वो समझो, ठीक, ये बात दिमाग में रहेगा ना? यस सर। क्या ये बात दिमाग में रहेगा? हाँ सर। ऐड मत होना, कॉपी पेन लेके बैठना, ठीक, एकदम कम्युनिकेट करो, ये बात दिमाग में रहना चाहिए। अब सोचो इसकी जरूरत नहीं थी, सर्कल कब होगा, ठीक,
जब हम ये बताएंगे क्या कहते हैं सर जी। हाँ बोलो। बताया नहीं कि A1 into A2 से A कैसे होगा। अरे वो वैल्यू होगा, क्या टेंशन ले रहा है। और दो का स्ट्रेट लाइन को जो मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, तो जैसे A1 क्या है, कोई कांस्टेंट टर्म होगा, मान लो ऐसा सोचो ना 2x प्लस 4y माइनस, ठीक, और यहाँ रख दे 3x माइनस 2y प्लस 8। अब ये वाला पोर्शन मल्टीप्लाई करता तो कितना, ये A1 A2 को मल्टीप्लाई करेगा तो 6। तो यहाँ A के जगह कांस्टेंट टर्म है, वैल्यू देगा 6। क्या जो बोले क्लियर है? यस सर। ठीक, तो ये कौन बड़का बात है, इसमें क्या दिमाग लगाना है। ठीक है, अब सोचो सर्कल क्या होता है। ठीक है, तो सर्कल के लिए, फॉर सर्कल, अब हम इसके अंदर घुसते हैं। फॉर सर्कल A और B बराबर होना चाहिए, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, ठीक है, और H की वैल्यू 0 होना चाहिए। क्या जो बोले क्लियर है? ठीक, ये कंडीशन है, मैं फिर बोल रहा हूं, रेस्ट मैथ्स वाले सर से करेंगे, हम लोग को ग्राफ बनाने आना चाहिए। तो A और B बराबर होना चाहिए, जहां दिख जाए A और B बराबर होना चाहिए। अच्छा, जब ये पूरा खत्म कर देंगे ना, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पाराबोला, इलिप्स, इतना, हाइपरबोला मेरे में जरूरत नहीं पड़ता, इसमें कराऊंगा भी नहीं। ठीक है, तो A इक्वल टू B और H इक्वल टू 0, और जो ऐसा हम कराने लगे, A इक्वल टू B और H इक्वल टू 0, और जो दिखने लगे तो ये सर्कल होगा। ठीक, तो सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हो गया, सोचो तो, क्या ये वाला पोर्शन हम लोग लिखते हैं, एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक, h की वैल्यू 0 हो गया और a और b बराबर होना चाहिए। अब रियलिटी में क्या होगा, जब तुम इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट लिखोगे ना, सेंटर और z, वो क्या होगा, माइनस g माइनस f। ठीक है, और जब तुम इसका रेडियस निकालोगे कैसे होगा, ये तुमको पकड़ में आ जाएगा, ये टेंशन ना लो, इसके बाद का चीज हम खुद कराएंगे तो पकड़ में आ जाएगा। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ कोनिक, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे तुमको धीरे धीरे करके क्लियर होता जाएगा पिक्चर। अरेस्ट तो मैथ में रेडियस का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, क्लियर है, अभी पहले इतना लिखो फिर हम आगे बढ़े और अच्छे से समझें कि कैसे काम करेगा। पहले ये काम कर लो, लिख लो, और हो जाए तो बोल देना जल्दी। हेलो, हो गया सर। हाँ, अब सोचो जो बोल रहे हैं, ठीक है, और वहां से बातें समझना शुरू करना। ये सब किताबी लैंग्वेज है, थ्योरी है, ठीक है, इससे हमको बात नहीं सीखना है, हमको कुछ और सीखना है। ठीक, और कुछ और सीखना है, ये सब मैथ मैथ वाला पार्ट था, अच्छे से पकड़ते हैं। ठीक, सोचो बेसिक फंडामेंटल पे, ठीक है, अब जैसे जैसे बताएंगे वो फील आएगा, ये किताबी लैंग्वेज वाला चीज जल्दी नहीं फील आता है। स्ट्रेट लाइन कैसे फील आया, वैसे यहां भी आना चाहिए। सोचो ये वाला पोर्शन वाई एक्सिस है, फील करना, ये वाला पोर्शन वाई एक्सिस है और ये वाला पोर्शन एक्स एक्सिस है। ठीक है, क्लियर है, और सेंटर यानी सेंटर को मानते हैं ओरिजिन, और मान लो सर्कल ये होता। क्या जो बोले क्लियर है, सर्कल ये होता, तो क्या ये वाला पार्ट इसका रेडियस होता कि नहीं होता, बताओ। यस सर। क्लियर, अच्छा, किताबी लगे जो पीछे बताया ना भूल जाओ ना, मतलब हमारा, ठीक, वो कॉपी भरने वाला काम, बुद्धि वाला काम। अब ठीक, सोचो
क्या ये वाला पोर्शन 0.0 है? ठीक, यस। ये वाला पॉइंट पी है, और क्या ये वाला कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई होगा? सोचो तो। यस सर। कोई पॉइंट सर्कल में जो पॉइंट खड़ा था उसको उठा लेते हैं कहीं पर भी, ठीक। तो वो वाला पॉइंट होता x, y, ठीक है। अब x, y को फील कर दो एक नॉर्मल सी बात, क्या क्या ये वाला पार्ट y था और ये वाला पार्ट x था? हाँ ना, देख तो yes. कोई दिक्कत नहीं ना। अब तुम क्या पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिख सकता था? आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाँ या ना? यस सर। पक्का? ठीक, तो सीधा बोल रहे, ठीक है। अब दिमाग में ये बात फिट करो, कसम खा लो, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं। अगर जो सर्कल का सेंटर ओरिजिन से क्रॉस करेगा, अगर जो सर्कल का सेंटर ओरिजिन से क्रॉस करेगा, ठीक, तो उसका स्टैंडर्ड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, हाँ ना? यस सर। ठीक, सीधा, कोई ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना है। अब तू बोलेगा सर ये तो नॉर्मल है, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके बहुत तेज बन गए। नहीं, तेज नहीं बने, सीरियसली यही करना है। अगर जो एक और एक चीज याद रखना, आराम से बात समझ लो, ये आर है और ये वाला एंगल, और जो थीटा सोचे, ये वाला एंगल जो थीटा सोचे, तो क्या वाई की वैल्यू को हम लोग आर साइन थीटा, ठीक, और एक्स की वैल्यू को क्या आर कॉस थीटा लिख सकता था? नहीं लिख सकता था। यस सर। सबको क्लियर है ये बात? कृष्णा समझा दीजिए सर। हाँ, बेझिझक पूछना, फंस जाओगे। और सोचो कि अभी तक में हम जितना क्लास जब पढ़ाना शुरू कर दिए होंगे ना, शायद सबसे धीरे पढ़ा रहे हैं, सबसे धीरे, आराम आराम से, ठीक है। ठीक है, प्रवचन और समझाने वाला बात अलग था, लेकिन क्या कहते हैं, पढ़ाने वाले पार्ट में, यहाँ पे स्टूडेंट गलती करना शुरू करता है, स्ट्रेट लाइन में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आता, यहाँ से गलती करना शुरू होता है, ग्राफ किधर बनेगा, किस क्वाड्रेंट में बनेगा, इसमें हर कुछ पूछना। देखो साइन थीटा का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय भाई, होता है ना? नहीं, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, यहाँ परपेंडिकुलर कितना होगा भाई? ठीक, और हाइपोटेन्यूज आर होगा कि नहीं होगा? देखो तो होगा ना, तो क्या वाई की वैल्यू आर साइन थीटा होगा कि नहीं होगा? यस यस सर। ठीक है, वैसे ही आर कॉस थीटा कर लेते। चलो, अब इसी एक्स को ऐसा लिख सकते हैं, ये वाला पोर्शन आर कॉस थीटा और ये वाला पोर्शन आर साइन थीटा, ठीक है। जब आप पढ़ना शुरू करोगे, और एक चीज, हाँ, सबको ये बात बोल रहे हैं, ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन पूछे तो अपना स्पीकर ऑन करें, जब नहीं पूछ रहे हो तो ऑफ कर दो, इस कारण से जब वीडियो जाएगा, ठीक, तो ये घिच 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 जो आवाज मुझे सुनाई दे रही होगी या तुम्हें सुनाई दे रही होगी, वो वीडियो के साथ भी होगा, ठीक है। तो वहां पे फिर जिस चीज के लिए तुमको हम बचाना चाह रहे हैं कि दैट इज कि अगर जो मान लो कभी नेटवर्क भी खराब रहा और क्लास मान लो चल भी गया, तो हाँ, मेरे पास अवेलेबल है, ठीक। लेकिन ये भी बात बोल दे रहे हैं सभी स्टूडेंट को, अभी कुछ दिनों तक ठीक है, वीडियो हमेशा के लिए ओपन रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं डिफरेंशिएशन पढ़ाना शुरू कर दूंगा, ठीक है, मतलब मुश्किल से दो क्लास बाद, ठीक है, फिर वीडियो ऑन रहेगा मात्र 48 घंटे के लिए, 48 घंटे बाद वीडियो होगा, ठीक है। लेकिन फिर जब तुम मांगोगे, बोलोगे, तब भले हम दे देंगे, क्लियर, लेकिन अदरवाइज हम
48 घंटे बाद ओपन नहीं करेंगे, क्लियर है। उसका कारण है कि क्लास में पढ़ाया हुआ चीज ठीक है 48 घंटे तक ओपन है, कभी पढ़ लेंगे यार, ठीक, तो फिर तो कभी पढ़ने वाला सीन हो जाएगा ना, तो ये आदत खराब है, ये आदत हम अपने स्टूडेंट में नहीं लाने देना चाहते, ठीक है। अभी चीजें हो सकता है कि वो हमेशा ऑन एयर रहे, ऑन एयर कहने का मतलब पब्लिक, ठीक है, बाद में वो टाइम पे हो जाएगा और वो 24 घंटे या 48 घंटे, ठीक। वो सॉफ्टवेयर वाले पोर्शन में वैसा ही बना ही हुआ है जो वेबसाइट वाला पार्ट है, जब मैं ओपन कर ही दूंगा, क्योंकि ऑनलाइन वाला पोर्शन जब टेस्ट सीरीज स्टार्ट शुरू करना ही है, तो जिसको बंद करा दिए थे लॉकडाउन में उसको फिर से ओपन करा देंगे, क्योंकि टेस्ट वेस्ट सबका लेना है, ठीक है। बहुत दिनों से बहुत लोगों का टेस्ट नहीं हुआ, तो मीनिंग इसलिए जब भी क्वेश्चन पूछना हो तब ऑन कर लीजिएगा, ठीक है, ऐसे मेरा आवाज का क्वालिटी आपके पास अच्छा पहुंचेगा, ठीक है। देखो ये जब एक्स वाई लिखोगे ना, जब एक्स वाई लिखोगे तो इसको बोला जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, मैथ्स वाले सर बताएंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, और इसको बोला जाता है आर और थीटा, ठीक। इसको रियलिटी में बोला जाएगा जब चेंज करोगे ना, तो इसी को बोला जाएगा पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक, मतलब ये बोला जाता है, डजंट मैटर, अब जो बोल रहा है वो सुनो, ठीक। इससे कहानी से कोई मतलब ना, तुम लिखे ना लिखे, ये कार्टेशियन और पोलर नहीं हो लिखेगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं, नहीं है लिख फालतू का कंफ्यूजन आएगा, छोड़ो कोई मतलब नहीं। अब इस वाले पोर्शन में आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा होगा, ये तो क्लियर है ना, हाँ या ना, बोलो फिर आगे समझ, ठीक। तो अब सोचो क्या गारंटी है, क्या गारंटी है, ठीक, कि हर बार ऑरिजिन यानी इस सर्कल का सेंटर ऑरिजिन होगा, कोई गारंटी है, बोलो कन्हैया? नो सर, नहीं सर, कोई गारंटी नहीं है, नहीं। मैंने बोला कि जैसे, ठीक है, इसका सेंटर, इस सर्कल का सेंटर मैंने ऑरिजिन माना, मैंने ऑरिजिन माना, ठीक, क्या गारंटी है हर सेंटर का सर्कल ऑरिजिन होगा, क्या गारंटी, कोई गारंटी है? नो सर, नो सर, समझ में आया बात? तो हम अपने तरफ से ऐसा बनाते हैं, ये वाला पोर्शन वाई एक्सिस, ये वाला पोर्शन एक्स एक्सिस, हमारा ना पता करने का है, हमको बस ये पता है ई सर्कल था, ठीक, ये वाला पोर्शन सर्कल था, ठीक है। अब सोचो जो बता रहे हैं, इसका सेंटर ये होता, हाँ या ना? इसका सेंटर ये होता, अब इस सेंटर का कोऑर्डिनेट हम अपने तरफ से मानते हैं एच कॉमा के, एच कॉमा के, ठीक, और ये वाला पॉइंट पी जो हम मानते हैं वो मानते हैं एक्स कॉमा वाई, ठीक। तो फील करो क्या ये वाला पार्ट रेडियस होता कि नहीं होता इस सर्कल का? यस सर, पक्का? तो सोचो मैं जो लिख रहा हूं, सीपी डिस्टेंस निकाल रहे सीपी का, क्या ये वाला पोर्शन रूट ओवर एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस प्लस क्या करे वाई माइनस के का होल, हाँ या ना? यस सर। अच्छा, क्या सीपी रेडियस के बराबर है? बड़े हम आराम से चल रहे हैं, ठीक है, और जैसे ही शुरू करेंगे धड़ाधड़ क्वेश्चन देना शुरू करेंगे तुरंत, ठीक, जैसे स्ट्रेट लाइन में देना शुरू किए थे सब में तुरंत देना शुरू करेंगे, इसमें आराम से समझ लेना, क्या ये वाला पोर्शन रेडियस के बराबर और दोनों तरफ स्क्वायर कर तो आर स्क्वायर, ठीक। अब सोचो तो सोचना इसको यूज करता तो एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर 2hx, 2 सॉरी माइनस 2hx, ठीक है,
प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और माइनस टू के वाई होता क्या? यस सर। अच्छा, मतलब बिल्कुल आराम आराम से समझना जो बात बोल रहे हैं। ठीक है, क्या ये वाला पोर्शन आर स्क्वायर, ये वाला पोर्शन एक्स स्क्वायर, ये वाले पोर्शन को वाई स्क्वायर करो। ठीक है, ये वाला पोर्शन, अरे यार माइनस में रखेंगे ना, तो माइनस टू एच एक्स, ये वाला पोर्शन माइनस टू के वाई। ठीक है, अब सोचो तो ये वाला पोर्शन क्या के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ये होता? हा ना? यस सर। अब जैसे बोल रहे हैं सोचना तो यहां पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, तो क्या a और b बराबर है? यस सर। अच्छा फील करो, यहां माइनस टू एच एक्स माइनस टू एफ वाई, मैं इस वाले पोर्शन को इत्मीनान से सोचना जो मैंने लिखा था स्टैंडर्ड इक्वेशन जो मैंने लिखा था। ठीक है, इस वाले पोर्शन में ये वाला पोर्शन को क्यों ना हम जीरो कर ही देते हैं और इधर लेके जाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू जी एक्स माइनस टू के वाई प्लस के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, शायद इधर छिप जा रहा है, आर स्क्वायर नहीं दिख रहा आप लोग। क्लियर है ना? अच्छा अब सोचिए, थोड़ा फील करना तो एकदम अच्छे से, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या लिखे थे? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, यही था ना? अब यहां से चेक करो तो ए किसके बराबर है, बोलो, खुद बोलो, पकड़ में आ जाएगा तुम लोग को, ए किसके बराबर है? वन के बराबर, ए ए ए की जगह देखो इक्वेशन वन, यस ए की जगह। अच्छा बी किसके बराबर है? वन के बराबर। अच्छा फील करो तो क्या टू जी किसके बराबर है? फील करना था, टू जी किसके बराबर है? माइनस टू एच ना, तो माइनस टू एच। अब सोचो एच मेरा सेंटर था तो एच की वैल्यू क्या माइनस जी होगा? यस सर। अच्छा फिर चेक करो तो टू एफ की वैल्यू क्या है? माइनस टू के। यस सर। तो माइनस टू के, तो क्या के की वैल्यू माइनस एफ होगा? हा ना? अच्छा अब सोचो क्या इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को देख के समझ में आता है कि एच जो है वो क्रॉसपॉन्ड कर रहा है माइनस जी को और जो के क्रॉसपॉन्ड कर रहा है माइनस एफ को। ठीक, तो क्या जो मैंने सेंटर का कोऑर्डिनेट लिखा था माइनस जी और माइनस एफ होगा? जो मैंने सेंटर का कोऑर्डिनेट लिखा था माइनस जी और माइनस एफ होगा। ठीक है, क्या वो बात पकड़ में आया या नहीं? यस सर। अच्छा अब सोचो सी के जगह कितना है भाई, देख तो क्या सी के जगह के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है कि नहीं है? देख लो। यस सर। ठीक, वेरी गुड। अब फील करो तो आर के की वैल्यू माइनस जी, तो इसको तो हम जी स्क्वायर लिखिए सकते थे, के की वैल्यू माइनस है तो इसको तो एफ स्क्वायर लिखिए सकते थे, आर स्क्वायर को इधर लेके चले तो सी को इधर लेके चला। देख तो क्या रेडियस का फॉर्मूला यही दिए थे कि नहीं दिए थे? पक्का ना? तो अब तुमको तो फील आ गया ना कि कौन इक्वेशन कहां से कैसे बनना था और क्या क्या था, आया नहीं आया बोलो? यस सर। कन्हैया? यस सर। कृष्णा? यस सर। पक्का?
गुड, तो एक काम करोगे कृष्णा आप, ठीक है, आप अपने नॉर्मल वाला जो क्लास है जो पीछे चल रहा है उसमें भी करते रहेंगे, अगर जो ये बात पकड़ में आ गई है, ठीक है, और अगर जो आज हाथ चलना शुरू हो जाता है, ठीक है, तो फिर पीछे वाले बैच में क्यों पढ़ेंगे, हम आगे वाले बैच में काम करेंगे, ठीक है, पीछे वाला बैच भी यहीं पर आएगा, लेकिन होता जाए, कम्युनिकेट होता जाए, क्लियर है, जल्दी लिखे इसे, इसे जल्दी लिखे। सर थोड़ा थोड़ा आया समझ, पूरा नहीं आया। मतलब क्या? हाँ बोलो कृष्णा, क्या नहीं समझ में आया इसमें? चलिए पहले लिखिए, फिर क्वेश्चन करते करते डील हो जाएगा। हेलो सर जी, हाँ बोले, मैं कुछ वो बोल रहे, हाँ तो बिल्कुल दिख रहा था इसलिए। हाँ ठीक है, अब सोचो मैं बोलूं, ठीक है, अब जल्दी जल्दी ग्राफ बनाना, सिर्फ ग्राफ बनाना, ठीक सर, हमको कोई मतलब नहीं, सर्कल यहाँ बनेगा, हाँ बोलिए ना, जिसे सेंटर में एच और के लिखे हैं तो उसके जगह और भी कुछ लिख सकते हैं? हाँ जो आएगा वो लिखेंगे, जो आएगा वो लिखेंगे, अभी हमको कहाँ पता, वही बात तो सिखाना है कि आएगा क्या, नहीं समझे, वही बात तुमको सिखाना है कि आएगा क्या, ठीक है, चलो देखते हैं। ये अभी ऊपर पॉइंट थ्योरी जैसे तुम लोग के दिमाग में बात खटक रहा था ना कि सर काहे स्टैंडर्ड एजुकेशन लिख, जो लिखे वो पता होना चाहिए, ठीक है, चलो देखते हैं। अब इस सारे पोर्शन में मैं अगर जो ऐसा दू, मैं सेंटर का कोऑर्डिनेट दू -2,3, ठीक, क्लियर, और रेडियस का कोऑर्डिनेट दू 4, सेंटर का कोऑर्डिनेट -2,3 और रेडियस बोलूं 4 है, बता दो सर्कल कैसा बनेगा, सोच करके इक्वेशन तो बना लोगे ना, या इक्वेशन और सर्कल बताना पड़ेगा? बता दिए सर एक बार। चलो एक क्वेश्चन कर, हाँ एक क्वेश्चन करा देते हैं, उसके बाद तुम लोग धड़ ले सर, हाँ धड़ बनाना, ठीक है, देखो क्या सिखाए, इक्वेशन ऑफ सर्कल और जो निकालना होता, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक, तो कुछ नहीं, एक्स माइनस ऑफ -2 जो कोऑर्डिनेट दिया उसका स्क्वायर, ठीक है, देखो ना एक्स माइनस एच लिखे थे ना, yes, कंफ्यूज हो जाएगा, चलो कंफ्यूज हो जाएगा, रुक जाएगा, पहले हम ग्राफ बना दे उसके बाद तुम लोग से बात करेंगे, इससे इस पर आएंगे ना तो तुम लोग का, तुम लोग को शांति मिलेगा कि नहीं मास्टर जो पढ़ाया वही चल रहा है। ये वाला पोर्शन स्पीकर ऑफ रखे, जब हम इस तरफ से बोल रहे हो तो तब बोल रहे, बार बार वीडियो क्वालिटी अच्छी आएगी। x की वैल्यू कितना है? -2, -2 किधर होगा? कुछ इधर होगा, ठीक है, y की वैल्यू कितना है? 3, ठीक है, अब सोचो सर +3 ना है, सॉरी +3 है, क्या कर रहे हैं, सॉरी +3 है, तो क्या इसका कोऑर्डिनेट क्या -2,3 होगा कि नहीं होगा, बता। यस सर होगा, और यही सेंटर होगा, ठीक है, अब सोचो रेडियस कितना है? 4, ठीक है, तो एक बात आराम से सोचना, ठीक,
जरूरी नहीं कि अब कंपास लेंगे वो कहानी टेंथ तक करना, यहाँ जनरल इक्वेशन पे सीखना होगा जल्दी जल्दी। ठीक है बताते ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, ये वाला तीन है क्या रोहित? यस सर तीन होगा। तीन है तो चार क्या होगा, सेंटर ये है तो चार कुछ नीचे होगा, और तीन ये हो गया तो चार कुछ यहाँ होगा। यानी हम अपने तरफ से यहां से ले और इसको सेंटर मानते हुए एक सर्कल बना दे ऐसे। हाँ ना यस यस ठीक। और यहां से एक कोऑर्डिनेट ले लें पी पॉइंट पे, अगर जो इक्वेशन निकालना है तो इक्वेशन निकालना है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाता एक्स कॉमा वाई। ठीक अब सोचो क्या सीखता, इसका डिस्टेंस निकालने आता है ना, एक्स माइनस ऑफ माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री का होल स्क्वायर, और क्या ये वाला वैल्यू रेडियस के बराबर, तो रेडियस का स्क्वायर। यानी सॉल्व करता तो क्या हो जाता एक्स स्क्वायर प्लस टू तो फोर एक्स, फोर एक्स क्या ये वाला पोर्शन वाई स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्स वाई, और r की वैल्यू चार है तो ये डेटा सोलह। ठीक क्या जोड़ घटाव कर लोगे, हाँ या ना? यस सर। बोलो जल्दी क्या बात पकड़ में आया नहीं आया? यस सर। कन्हैया आपको? हाँ सर जी। हाँ सुहानी, सुहानी तुमको पकड़ में आया बात? तुम थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, हम पहले कह दे रहे क्योंकि तुम्हारे पास बायो है ठीक, और तुमको ग्राफ कभी नहीं मिलेगा, मैथ वाले के पास तो ऑप्शन भी है ठीक, क्यों कुछ नहीं तो मैथों में कभी जाके पढ़ लेगा ठीक है, समझ में है ना, तुम अच्छे से करना। कृष्णा आपको, कृष्णा? यस सर। हाँ ठीक कोई दिक्कत है, धीरे धीरे करता रहे, ऐसे भी थोड़ा आगे है क्या कहते हैं थोड़ा आगे है तो क्या कहते हैं जैसे जैसे होगा देखेंगे ठीक है। अब इस वाले पोर्शन में मैं आपको सेंटर का कोऑर्डिनेट दू ए कॉमा बी ठीक है, और रेडियस दू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बनाओ तो ये पहला वाला हो गया सर जी। हाँ बस इतना ही, हमको तो इससे मतलब, ये तो मैथ वाला काम है, ये तो हमको नहीं है कराना चाहिए, ये करना ये वाला ठीक है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन होगा ठीक। तीसरा क्वेश्चन फटाफट जल्दी जल्दी मैं दूं, सेंटर का कोऑर्डिनेट जीरो कॉमा माइनस वन ठीक, और रेडियस की वैल्यू दू वन ठीक। चौथा मैं सेंटर का कोऑर्डिनेट दू ए कॉमा ए और रेडियस की वैल्यू दू रूट टू ए, रूट टू ए। पहले तो इस टाइप का क्वेश्चन करो, हो गया दूसरा, देख तो दूसरा का सॉल्यूशन, ये नहीं भी करेगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं है ठीक।
लेकिन करो ठीक, ये नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन करो क्वेश्चन करो ठीक। अच्छा सर्कल बड़ा सोच समझ के बनाना, पंगा इसी का है ठीक है, कि तुम सर्कल को सही से सोच के बना पाते हो या नहीं बना पाते। आपको ग्राफ भी देगा ना एग्जाम में तो ऐसे ही उठपटांग बना के दे देगा, क्लियर है? तू बोलेगा सर्कल तो कौन सा था, पता लगा चारों सर्कले हैं ठीक, तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। देखो दूसरा वाला क्वेश्चन कैसा होता देख तो, क्या ये वाला पोर्शन वाई एक्सिस और ये वाला पोर्शन एक्स एक्सिस ठीक, सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना ए कुछ यहां है, सेंटर का कोऑर्डिनेट बी कुछ यहां है, क्लियर? क्या ये वाला पार्ट इधर और ये वाला पार्ट इधर, ये सेंटर है और ये सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना हो गया ए कॉमा। अब एक बात बता, रेडियस दिया रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देख तो ये ओरिजिन है, क्या ये ही रेडियस के बराबर होगा कि नहीं होगा? यस सर, पकड़ो खुद से, खुद से पकड़ो ठीक है। और ये जो मैं पढ़ रहा जिसे हमको देख के पता चल रहा है ना ठीक है, वैसे ही देख के आपको पता चलना चाहिए ठीक है। चेक करो, ये डिस्टेंस ए हो गया, ये डिस्टेंस बी हो गया, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा या नहीं होगा? अब सोचो, यानी हमको रेडियस पता चलिए गया, यानी इसका ग्राफ कैसा होना चाहिए, इसको रेडियस बनाए और ऐसा होना चाहिए, हाँ ना? क्लियर समझ में आया? अब तू बोले सर ये वाला ग्राफ वही वाला ग्राफ सेम है, तो कैसे सेम है यार, दोनों का सेंटर अलग अलग है, दोनों का क्या कहते हैं पॉइंट का पोजिशनिंग अलग अलग है, क्या जो बोले क्लियर है, हाँ या ना? क्लियर है सबको? अब सोचो इसका इक्वेशन लिखना होता तो क्या लिखता, सीधे x माइनस ए का होल स्क्वायर, y माइनस बी का होल स्क्वायर और रेडियस की वैल्यू, दैट इज रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या जोड़ घटाव कर लोगे, हाँ या ना? यस पक्का ना? चलो ऐसे तीसरा बनाओ जल्दी, रोकना नहीं है, पहला वाला क्वेश्चन मिटा दूं? हो गया सर, पहला क्वेश्चन मिटा दूं मैं? यस सर, जल्दी बोला कर, कम्युनिकेट कर, ऐसे ही आज क्या कहते हैं ठीक है, क्लास शुरू की हम 4:30 बजे थे, एक तो ज्वाइन करने में लेट हो गया, दूसरी चीज के कुछ बातों पे समझाने में भी कुछ टाइम गया, तो चलो ठीक है रिकॉर्डिंग में नहीं गया वो, लेकिन क्या कहते हैं तो थोड़ा डिले हुआ भी है, तो इसलिए इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करें, नहीं तो फिर बोर होने लगोगे, फिर बोर होने लगोगे, पहले कह रहे। तीसरा बता तो क्या होता, देख तो तीसरा ठीक, क्या ये वाला पोर्शन वाई एक्स, क्या ये वाला पोर्शन एक्स ठीक है। अब एक बात बता, एक्स है जीरो, चलो जीरो यहां होता, वाई है माइनस वन, क्या माइनस वन यहां होगा, हाँ या ना? यस सर। अच्छा रेडियस सोचो, यानी इसका सेंटर कहाँ है, इसका सेंटर, इसका सेंटर है इस जगह पर, और यही सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है जीरो कॉमा माइनस वन, हाँ ना? ये सेंटर बना। अब क्वेश्चन में रेडियस कितना है, वन, तो सोचो, तो सोचो फील करना, क्या ये वाला डिस्टेंस वन है क्या, यही क्या ये वाला डिस्टेंस वन है, यानी इसका सर्कल कैसा बनना चाहिए, देख तो ये होगा कि नहीं होगा, इसको टच करते हुए, मतलब एक्स एक्सिस को टच करते हुए ठीक, और यही ग्राफ होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, हाँ अलग मैटर है कि अब कोई कंपास लेकर सर हम 1 सेंटीमीटर का रेडियस उतना बनाने जाएगा पगला जाएगा, इतना क्वेश्चन पूछता है ठीक, इसलिए रफ स्केच करने की आदत जितनी जल्दी से जल्दी डालते जाए, क्या जो बोले क्लियर है, हाँ या ना? ये बोलो। चलो
चौथा बनाओ जल्दी, चौथा चौथा बनाए जल्दी। हो गया चौथा नंबर कन्हैया, चौथा नंबर सही देखा। हाँ देखें सुहानी, सुहानी रोहित आपसे फोर्थ नंबर, रोहित खुशी आपसे हो गया सर। ठीक है अब सोचो इस वाले पोर्शन में फोर्थ नंबर क्या होता। ठीक है फोर्थ नंबर चेक करते हैं भाई, ये वाला पोर्शन वाई एक्सिस, ये वाला पोर्शन एक्स एक्सिस। ठीक है ये वाला पार्ट क्या है ए, ये वाला पार्ट क्या है ए, यानी सेंटर कौन हो जाता है, सेंटर का कोऑर्डिनेट ए कॉमा ए होता ना। अच्छा अब ये ए कॉमा ए हुआ और रेडियस दिया रूट टू, तो देखते रूट टू ए यही होगा कि नहीं होगा, ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट टू। ठीक तो यही वाला पार्ट रेडियस हो जाता है, यानी चेक करो सर्कल क्या होता, सर्कल ये सेंटर हो ही गया, ये रेडियस हो गया। अब इसको पकड़ा पकड़ के खींच दो सर्कल, यानी यहां से ये ग्राफ ऐसे होना चाहिए। हाँ यानी अब ये मत बोल देना कि सर वाई एक्सिस नीचे हो गया सर्कल से, अरे ना भाई वाई एक्सिस इनफाइनाइट जाएगा। ठीक ये सब मत सोचने लगना। अब थोड़ा चेंज करते हैं क्वेश्चन का पैटर्न, ठीक और वो आपको आता है या नहीं वो आ गया। ठीक तो सर्कल पे मैं क्वेश्चन दे दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है प्रैक्टिस करके रखना। सोचो मैं पहला क्वेश्चन दूं, पैटर्न थोड़ा बदल रहा हूं, समझ लेना ये पांचवा क्वेश्चन है लेकिन पैटर्न बदल रहा हूं। ठीक मैं बोल रहा हूं एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर। ठीक है बताइए तो इसका सेंटर कहां होगा, ठीक रेडियस क्या होगा और सर्कल का ग्राफ कैसा होगा, सोच के बताओ तो थोड़ा जल्दी सोच के बताओ। दूसरा ऐसा ही दे दे रहा हूं एक्स प्लस फाइव का स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू नाइन। तीसरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स वाई इक्वल टू फाइव। चौथा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। ठीक उसमें भी चार क्वेश्चन कराए, इसमें भी चार क्वेश्चन। ठीक है और फिर इसका प्रैक्टिस करने को दे देंगे। बोलो
इसमें पहला बना या पहला इसमें भी सिखाना पड़े? क्या करना है इसमें? वही वही ग्राफ, ग्राफ, ये ग्राफ फाइनली तुमको ग्राफे चाहिए। ठीक है, हाँ मैं तुमको ये बोल दे रहा हूँ कि सेंटर क्या होगा, एक क्वेश्चन और जोड़ दिया, सेंटर क्या होगा, रेडियस क्या होगा। ठीक है, और ग्राफ तो खैर बनाने, ग्राफ के लिए सीख ही रहे तो ग्राफ कैसा होगा वो तो कर कंफर्म कीजिए। बोलो बताइए सुनिए। हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं, और जो नहीं पकड़ में तुरंत। ठीक है, देखिए एक नॉर्मल सा बात, ठीक है, जब भी क्वेश्चन ऐसे दे पहला, ठीक बहुत बढ़िया है, और हम तो बोलेंगे, हम तो ये बात बोलेंगे, हाँ ठीक है ठीक है, और जो पहला दूसरा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम तो बोलेंगे आपको, ठीक है, कि आप क्वेश्चन को चाहे वो तीसरा क्वेश्चन हो या चौथा क्वेश्चन लाओ तुम इसी ढंग से, इसी ढंग से ला के सॉल्व करो। ठीक है, उसका हम कुछ कारण से बोल रहे हैं, कुछ कारण से। ये तुम करना सीख गया ना, इसको इस तरह लिखना सीख गया, ठीक है, तो तुमको पाराबोला और इलिप्स में आसान हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, फिर पाराबोला और इलिप्स में तुमको क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो जितना परेशानी होगा, तो अच्छा भला परेशानी होगा, फिर कहां से कहां बना दिए, परेशान होते रहोगे। देखो समझाते हैं, क्या पहले वाले इक्वेशन को एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर और टू स्क्वायर लिख सकते हैं क्या पहले वाले को? देखो तो बस जैसे बोल रहे वैसे सोच रहा, लिख सकते हैं क्या? यस सर। अच्छा, अब जब ये देख लिया ना, तो एक्स माइनस वन की वैल्यू को जीरो करो, यहां जो एक्स जो स्क्वायर है, एक्स माइनस वन की वैल्यू को जीरो करो, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गया? वन। वैसे ही वाई माइनस जीरो की वैल्यू को जीरो करो, तो वाई की वैल्यू क्या हो गया? जीरो। और इसको देख के क्या आर स्क्वायर होता था, तो रेडियस की वैल्यू कितना हो गया? दो। ठीक, तो रियलिटी में सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 1, 0। क्लियर है? जो भी यहां स्क्वायर में होगा, ठीक है, तुम बोले कि सर इसका तो आप फॉर्मूले दिए तो कह उससे बना ले, ठीक है, तुमको बनाने की इच्छा बना लो, हम मना नहीं करेंगे। ठीक, तुम्हारे पास मेथड है, तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तुमको जब अगला क्लास शुरू कराएंगे तो फिर से हम यही काम करवाना शुरू कर देंगे इसी मेथड पर, जब हम पाराबोला पे काम कराएंगे तो, और पाराबोला में ही काम करना ही पड़ेगा, वहां नहीं बच पाऊंगा, ये काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं क्यों ना हम अभी से ही थोड़ा कष्ट लें और थोड़ा आदत सीखे। ठीक, तो सोचो इसका सेंटर क्या होता, फील करो, चेक करो, तो ये वाला पोर्शन हो गया पहले का सॉल्यूशन, ये वाला पार्ट माने वाई एक्सिस और ये वाला पार्ट माने एक्स एक्सिस। ठीक है, अच्छा एक्स की वैल्यू सेंटर का कोऑर्डिनेट वन, तो सोचो तो यही इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट होता और कोऑर्डिनेट होता 1, 0। ठीक है, रेडियस कितना है? दो। रेडियस कितना है? टू। तो एक बात तो कंफर्म हो गया कि यहां से यहां तक का दूरी कितना है? एक। तो लगभग एक यहां होगा, यानी ये वाला पोर्शन यहां ले, इसको सेंटर मान ले और यहां से लेते हुए एक सर्कल बना दे ऐसे। क्या जो बोले क्लियर है? पकड़ में आया नहीं आया? और रेडियस की वैल्यू हो गया दो। कन्हैया पकड़ में आया या गायब हो गया? यस सर। आया ना? कृष्णा, कृष्णा पकड़ में आया गायब हो गया? सर सी का वैल्यू आप उसी पे क्यों नहीं है सर? क्या क्या सी का वैल्यू सिखाए तो थे, याद करो, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, वाई माइनस के का होल स्क्वायर और आर स्क्वायर लिखे थे ना, तो एच कॉमा के, याद करो एक्स माइनस एच की वैल्यू जीरो, तो एक्स की वैल्यू एच, और याद करो तो थ्योरी में लिखाए थे
कि एच आपका सेंटर का एक्स का कोऑर्डिनेट था, हाँ या ना? यस सर। ठीक, तो भाई यहाँ पे स्क्वायर में रहे, जीरो करो, खत्म करो क्वेश्चन। ठीक है, अब ऐसे ही क्या, ऐसे ही क्या तुम लोग दूसरा बना लेगा, हाँ या ना? देखो तो हो गया सर। क्या x प्लस फाइव की वैल्यू जीरो? ठीक है, और y प्लस वन की वैल्यू जीरो, क्या कर लोगे दूसरा? चेक करो। यस सर। हाँ बिल्कुल, x तुरंत अब हम खत्म करेंगे, x प्लस वाई की वैल्यू वन प्लस वन का स्क्वायर और थ्री नाइन, थ्री का स्क्वायर। तो इसको क्या करता, x प्लस फाइव की वैल्यू को जीरो कर दो, तो x की वैल्यू कितना, माइनस फाइव। y प्लस वन की वैल्यू को जीरो कर दो, तो y की वैल्यू कितना, माइनस वन, और रेडियस कितना हो गया, तीन। ठीक, तो सोचो ये वाला पोर्शन y एक्सिस बना दे, ये वाला पोर्शन x एक्सिस बना दे। ठीक है, x की वैल्यू माइनस फाइव, तो माइनस फाइव कुछ यहां होता। ठीक है, y की वैल्यू कितना, माइनस वन, तो माइनस वन यहां होता, यानी सेंटर कहीं ना कहीं यहां होता, जिसका कोऑर्डिनेट माइनस फाइव कॉमा वन होता। अब सोचो रेडियस कितना है, तीन। ठीक, तो रेडियस है तीन, सोचो तो यहां से यहां तक दूरी है पांच, तीर कुछ इधर होगा, यानी यहां से ले और इसको सेंटर मानते हुए एक सर्कल ऐसे बना दे, हाँ ना? यस सर। ठीक है, अच्छा फिर से समझा दीजिए। हाँ देखो, ये जो लिखे इसमें कोई दिक्कत, बोलो कन्हैया? हाँ सर, हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, तो हम सेंटर लिख लिए माइनस पांच माइनस वन। अब सोचिए रेडियस कितना है, तीन। अच्छा, तो यहां से यहां तक का दूरी कितना था, पांच, तो तीन कुछ कम ही ना होगा सर? तो इधर पांच नहीं सर जी, यहां से यहां तक का दूरी था पांच। यस सर। तो रेडियस है तीन, तो तीन उससे छोटा होगा कि बड़ा होगा? तीन होगा, बड़ा होगा। पांच से तीन छोटा होगा, बड़ा होगा? अच्छा, माइनस हटा बोल रहे हैं। हाँ था, अच्छा हाँ था। ठीक है, तो पागल है, ये नंबर लाइन थोड़ा पढ़ रहे हैं कि माइनस की छोटा होता बड़ा, वो सब ना है यहाँ, फिजिक्स में सब ना होता है कुछ। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या हो गया, पांच। अब ये क्या हो गया, यहाँ तीन। अब इसको सर्कल मान लिए, कंपास रख लियो, सर्कल बना दी इधर से घुमा करके, क्या जो बोले क्लियर है? यस सर। अच्छा सर जी, उसे ऐसे डायरेक्ट कैसे रहते हैं, x प्लस y बराबर जीरो? हाँ, अभी फिर बताएं, फिर ये क्या कहते हैं, कृष्णा पूछा था, याद करो, याद करो, जब हम ये वाला y एक्सिस x एक्सिस बनाए थे, तो इस सर्कल का कोऑर्डिनेट के सेंटर क्या बनाए थे, h कॉमा के, याद है ना? यस सर। और यहाँ पे p का कोऑर्डिनेट क्या बनाए थे, x - x कॉमा y। Yes, sir. और रेडियस का डिस्टेंस क्या निकाले थे, x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस एच का होल स्क्वायर और r स्क्वायर, लिखता था ना? Yes, sir. अच्छा, x माइनस एच को जीरो करो, x माइनस एच को जीरो करो, तो x की वैल्यू क्या होगा, h। Yes, sir. और h क्या इसका सेंटरक है, सेंटर है कि नहीं x का, y माइनस सॉरी ये k था, y माइनस k की वैल्यू को जीरो करो। ठीक, तो y की वैल्यू क्या, अब सोचो h कॉमा k इसका सेंटर है कि नहीं है? यस सर। वह बात तो कर रहे हैं, यहाँ पे x प्लस फाइव का होल स्क्वायर, y प्लस वन, तो x प्लस फाइव को जीरो कर दी, तो ये माइनस फाइव, और y प्लस वन, तो ये माइनस वन, तो क्या c का सेंटर ये होगा कि नहीं होगा, बोलो? यस यस सर, समझ गया। ठीक, कोई बात नहीं, टाइम लो, लेकिन मुझे ये कॉन्फिडेंस में चाहिए, सर्कल पाराबोला कि दूगो तो एकदम ग्राफ देख करके। ठीक है, अगर जो खुशी सामने है सुन रही होगी, तो शायद सबसे ज्यादा ग्राफ और जो किसी सेक्शन का आया है तो सर्कल और पाराबोला का है, और स्ट्रेट लाइन का कम ही आया है, हाँ या ना? क्लियर, मतलब ठीक है, उसका थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम होता है तो उधर से आवाज थोड़ा स्लो आता होगा, पता नहीं मेरा भी आवाज स्लो ही जाता होगा उसको, ये भी नहीं कह सकते। ठीक है,
ठीक है, गांव पे रहने पे थोड़ा सा परेशानी होता है। अच्छा तीसरा बना क्या, तीसरा सोचो तो रोहित, तीसरा बना लिया? नो सर, अभी सोच। थोड़ा जल्दी सॉल्व करो, थोड़ा टाइम दे रहे इसके लिए तीसरा के लिए, ठीक है, और एक ही क्वेश्चन बताएंगे तीसरा, चौथा से तुम लोग खुद से सॉल्व करना शुरू कर देना। हम 4-5-10 क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है, और घर पे इत्मीनान से जैसे बताएंगे वैसे सॉल्व करना, ठीक है। हाँ नहीं बनने वाला हो कोई दिक्कत नहीं, तुरंत पूछोगे, बर्बाद नहीं करना है टाइम। देखो हम तीसरा बता रहे हैं, ठीक, और यहां से आप लोग खुद से प्रैक्टिस करना, मतलब क्वेश्चन हम आपको दे देंगे, कहोगे तो एक क्लास ले लेंगे सॉल्व कराने के लिए, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कराएंगे जरूर, हमको ये चाहिए और तुम्हारे से चाहिए, ठीक। इस टाइप का क्वेश्चन कर लेगा ना, 1 or 2 टाइप का, हाँ या ना? यस सर, यस सर। अब सोचो जो बोल रहे हैं, अरे भाई ये तीसरा नंबर क्वेश्चन तो लोग ऐसे ही बना सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y इक्वल टू 5, ठीक, याद कर तो क्या सिखाया था, ax स्क्वायर by स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। चलो इधर माइनस 5 और 0 रख सकता था क्या? अच्छा ठीक, तुम ऐसे बना सकता है, ठीक है, लेकिन हमको अच्छा नहीं लगता, हमको अच्छा नहीं लगता तो कुछ बात सोचिए तो बोल रहा हूँ, काहे नहीं अच्छा लग रहा है, सही है ना? देखो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, अब सोचो 2g की वैल्यू क्या होगा, माइनस 4, तो जी की वैल्यू क्या होता है, माइनस 2, ठीक। अच्छा अब सोचो 2f की वैल्यू कितना है, 6, तो f की वैल्यू कितना हो गया, 3, और यहां से देखते हुए c की वैल्यू क्या दिख रहा है, माइनस 5 था ना। अब सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या सिखाया था, याद करो तो, सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है माइनस जी माइनस है, तो यहां पे माइनस 2 आया है तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, 2, -3, हाँ ना, बोलो तो देख कर, ये तो फार्मूला फार्मूला वाला बात, इसमें दिमाग नहीं लगा है, फार्मूला फार्मूला चेंज कैसे किया, क्या 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 माइनस प्लस चेंज कैसे किया है, ये तो क्या टाइम लगाता है, जी की वैल्यू माइनस 2, देखो तो माइनस ऑफ माइनस, ठीक, सॉरी जी की वैल्यू कितना है, माइनस 2, तो कितना हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। अच्छा हाँ समझ, इस समय टाइम मत लगा, फिर तो लेवल वाला लेवल नहीं सिखा पाएगा ना, फिर तो तुम इधर उधर घूमता रहे, जल्दी जल्दी सब पे काम करना है, ठीक है। अब देखो अगर जो रेडियस निकालना होता, ठीक है, रेडियस निकालना होता तो क्या करता, रेडियस की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू क्या 2 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और सी की वैल्यू -5, कोई भरोसा नहीं, तू लोग फिर कंफ्यूज हो जाएगा, तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस 3, तो देखो तो जी की वैल्यू कितना है, जी की वैल्यू है -2 सर, एफ की वैल्यू 3 ए, और सी की वैल्यू -5, अब सोचो कितना हो जाता, 4, ठीक, 9, 5, ठीक, तो 9, 5, 14, 14, 4, 18, यानी रूट ओवर 18, क्लियर,
यानी एक बात कंफर्म हो गया, रेडियस की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 4 से बड़ा होगा, हाँ या ना? यस सर। 16 हमको एवरेज निकालना है, एवरेज आंसर निकालना है, कोई परफेक्ट नहीं चाहिए, ठीक है? तो रेडियस की वैल्यू 4 से बड़ा हो, ठीक है? यानी इसका सर्कल देखो, ये वाला पोर्शन वाई एक्सिस, ये वाला पोर्शन एक्स एक्सिस, ठीक? सेंटर कहाँ है? 2.3 पर, क्लियर? तो एक्स में 2 मान लेते हैं यहां, वाई में -3 यहां, अब यहां कर दें तो क्या 2.-3 होता? बोलो। Yes, और रेडियस कितना है? 4। तो इतना डिस्टेंस है 3, तो 4 कुछ ऊपर होगा, इसको सेंटर मान यहां रखते हैं और इसको सेंटर मानते हुए एक सर्कल बना देते हैं। क्या जो बोले क्लियर है? Yes, आना। Yes, सर। अच्छा, ये तो हो गया, लेकिन हम पहले ही बोले कि हमको ये वाला मेथड अच्छा नहीं लगता है, ठीक? कहीं ना कहीं तुमको क्या कहते हैं, जब तुम पाराबोला और इलिप्स सीखना शुरू करोगे और ये मेथड अगर जो सीख के कर हम काम करोगे, ठीक है, तो तुम्हारा क्वेश्चन अटकेगा। तो काहे ना जो हमको कष्ट देगा उसको हम पहले से पकड़ के चलते हैं। अब जो बोल रहे, थोड़ा आराम से सुनना, ये मैं हटा दे रहा, ये हटा दे रहा, और तीसरे वाले का सॉल्यूशन मैं ऊपर बना रहा हूं, देखना क्या लिख रहा हूं, ठीक है? चेक कर, यहां एक्स स्क्वायर है -4x, इसे वाई स्क्वायर रहने देते हैं, ठीक है, और +6y। हाँ, मैं अपने स्टूडेंट से ये जरूर चाहता हूं कि वो इसी मेथड से क्वेश्चन को बनाए, ताकि उसको पाराबोला और एलिप्स, जनरली पाराबोला, ठीक है, पाराबोला से खूब क्वेश्चन है, सर्कल से भी और पाराबोला, तो उसको पाराबोला का क्वेश्चन बनाने में कभी कोई तकलीफ ना हो, ठीक? हाँ, नॉर्मल मेथड से ऐसे बनाएगा, फिर पाराबोला में तुमको भुकाएंगे यही मेथड के लिए, तो काहे ना वहां सीखते जाए, खत्म हो जाएगा सब एक के साथ। मतलब पाराबोला भी हम कहो कि इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और जो सीख लिया है अभी, तो पाराबोला आधा खत्म है, इलिप्स भी खत्म है आधा, ठीक है, बात खत्म। अब सोचिए, सिर्फ मैंने एक्स स्क्वायर, एक्स वाला टर्म एक साथ किया वाई स्क्वायर, और फाइव इधर रखा जैसे था वैसे, ठीक? अब सोचिए, हम इसको एक्स स्क्वायर -4x, अच्छा, -4x रखेंगे तो तुम लोग को थोड़ा मे भी गड़बड़ फील। इस 4 को हम ब्रेक करते हैं 2 into x, ऐसे हमको देख के पता था क्या करना है, लेकिन तुम लोग को समझाने के लिए कर रहा हूं, ठीक है? क्या ये वाला पोर्शन 2 स्क्वायर ऐसा लिखे, ठीक है, और ये वाला पोर्शन -2 स्क्वायर लिखे? फिर सोचना, वाई वाला टर्म यहां पे लिख रहे हैं वाई स्क्वायर, 6 है, 2 into 3 into y +3 स्क्वायर -3 स्क्वायर -5। सोचो तो, क्या जो मैंने लिखा है क्या वो सही है? इत्मीनान से, यस सर, सोच लो। एक्चुअली जानते हो मैंने क्या किया, ये 4x को देख करके 2ab में तोड़ दिया, 2ab में तोड़ दिया। तो सोचो, 2 है, एक जगह x आ गया, b कितना है? 2। कन्हैया, यहां उलट सकते हो, यहां उलट सकते हो, कन्हैया, कृष्णा, सुहानी, सबको को बोल रहा हूं, ठीक? इवन इनको भी कह रहा हूं, क्या कहते हैं, खुशी को भी कह रहा हूं, ठीक है? ये वाले पार्ट में मैं भी उलट सकते हो थोड़ा, ठीक है, लेकिन मैं इस पर इनफ क्वेश्चन दे दूंगा, तू प्रैक्टिस करके रख, मुझसे प्रैक्टिस करवा लेना, बाद में दिखवा लेना क्या सर ऐसा ऐसा है, ठीक? लेकिन मुझे ये चाहिए, क्या
एक्स स्क्वायर, यहाँ फोर एक्स देखे तो टू इंटू टू, टू ए भी होता है ना फॉर्मूला में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले में होता है ना, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है ना, है ना? Yes. तो हम टू ए बी ढूंढ रहे, टू ए बी, तो देखो टू हो गया, ए के जगह एक्स हो गया, तो यहाँ फोर था, फोर करने के लिए बी की वैल्यू क्या होना चाहिए, टू, तो बी की वैल्यू टू, तो मैंने टू स्क्वायर कर दिया, फिर माइनस टू स्क्वायर कर दिया जानबूझ कर, ताकि इक्वेशन में कोई फर्क ना पड़े, जितना जोड़े उतना ही घटा दिए। वैसे ही सोचो, यहाँ वाई स्क्वायर था, यहाँ सिक्स वाई दिखा, अच्छा तो टू ए बी, टू ए के जगह वाई आ गया, अब यहाँ सिक्स वाई करना था तो टू इंटू थ्री, हा ना, तो क्या बी की वैल्यू थ्री है? यस सर। कन्हैया? यस सर। अच्छा कितना? यस सर। ठीक, अब ये थ्री, तो ये थ्री स्क्वायर और माइनस थ्री स्क्वायर, ठीक, तो चेक करो इतना दूर को क्या लिख सकता था, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, ठीक, इतना दूर को क्या लिख सकता था, वाई प्लस थ्री का होल स्क्वायर, और यहां चेक करो ये चार इधर चला जाएगा, ठीक, ये नौ इधर चला जाएगा, और प्लस पांच, ठीक, तो देख तो क्या x माइनस टू का होल स्क्वायर y प्लस थ्री का होल स्क्वायर, और क्या इसे रूट ओवर 18 का होल स्क्वायर लिख सकते थे? बोलो। अरे हाना, यस सर। अब देखो तो क्या रेडियस की वैल्यू रूट ओवर 18 के बराबर था कि नहीं था? रेडियस yes. रूट ओवर 18। अब क्या x माइनस टू को जीरो करता, जैसा तुमने पहला और दूसरा क्वेश्चन सीखा, x माइनस टू की वैल्यू को जीरो करता तो x की वैल्यू टू होता, देख तो सेंटर में, सेंटर में टू है, y प्लस थ्री की वैल्यू को जीरो करता तो क्या y प्लस थ्री की वैल्यू को जीरो करता तो क्या y की वैल्यू माइनस थ्री आता, हाँ ना? Yes. क्या यहाँ पर माइनस थ्री है, हाँ ना? हाँ सर जी। क्लियर है? तो सोचो मैं, ठीक है ये तो फार्मूला से तू बनाइए लेगा, ये तो सभी को आएगा, ठीक है, लेकिन ये अगर जो करना सीख गया ना, ठीक, तो तुम्हारा 80% 50% से मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, पाराबोला का ग्राफ खत्म, इलिप्स का ग्राफ खत्म, क्या जो बोले समझ में आया? ठीक है, ये करना सीखोगे तब, यहाँ सीख लिया तो उतना टाइम बच गया, उधर उधर सीखने, हाँ सर ऐसे ऐसे होता है, ठीक हम कर लेंगे, समझ में है ना? कैसे बोलता है कि सर हाँ हो जाएगा, ठीक है हो जाएगा, हो जाएगा, क्या उसी ढंग से ये चौथा बनाओगे? पक्का ना? इस सबको घर से प्रैक्टिस करना, ठीक है, और मैं क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, कहाँ दे दू, कहाँ दे, अच्छा ठीक है मैं भेज दूंगा, ग्रुप में भेज दूंगा, क्लियर ना? यस ओके सर, ग्रुप में भेज दूंगा, क्या यहाँ तक बात क्लियर है अच्छे से? यस सर। पक्का? कन्हैया? हाँ सर जी। कन्हैया क्या क्लियर है यहाँ तक बात? जी सर। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करना, हो सकता है मैं आधे घंटे से 45 मिनट में, ठीक, सर्कल का 5 से 10 क्वेश्चन भेज दूंगा, ठीक है, ग्रुप पे भेज दूंगा, पक्का बना लेंगे ग्राम, ठीक है, और प्रयास करना इस मेथड पे, ठीक। कृष्णा, अगर जो तुम्हें बातें पकड़ में आ गई हैं तो बहुत अच्छी बात, ठीक है, और सुहानी को भी मिल ही जाएगा, अरे तो तुम्हें, तुम्हें क्लियर है, क्या कहते हैं खुशी? यस सर। ठीक है चलिए, तो आज वाले क्लास में यहीं तक रहने देते हैं, क्लियर? और टाइम चेंज हो गया? नहीं टाइम, वो एक्चुअली अमित सर अचानक बोले कि हमको कहीं निकलना है, तो इस कारण से बदला था टाइम, ठीक है, और मान लीजिए कि बच्चों को इन्फॉर्मेशन है कि 4 बजे क्लास है, तो मैंने भी आज 4:30 से शुरू किया, ठीक है, अलग मैटर है कि वो कुछ एरर था, कम्युनिकेशन एरर था बेचारा, शुरुआत पर रोहित नहीं ज्वाइन हो पा रहा था, ठीक है, तो पता नहीं क्या चल रहा था, वो सिस्टम में कभी कभी अपडेट ले लेता है, ठीक है, तो उसमें थोड़ा देर हो गया,
कुछ बात समझानी थी वहां देर हो गया, तो डजंट मैटर, उससे कोई परेशानी नहीं है। क्लियर? मोस्ट प्रोबेबली क्लास, हाँ ये हो सकता है कि इन लोगों का क्लास, जैसे तुम लोग का क्लास चलता है ना सुबह में, ठीक है, तो हो सकता है इन लोग का भी क्लास धीरे धीरे करके सुबह में होना शुरू हो जाए। रीजन है ये लोग डेटा उटा बचा बचता ही, ये लोग के पास डेटा, ठीक है, शाम में ही क्या क्या, तो फिर सुबह में क्लास लेगा तो मेरा कैसे होगा? हो जाएगा ना? नहीं, जिस टाइम पे मेरा क्लास होगा, ठीक, उस टाइम पे किसी और बैच में किसी और टीचर का क्लास होगा, नहीं समझ में आया? जिस टाइम पे तुम्हारा, तुम्हारे बैच में जा रहा होगा, ठीक, उस टाइम पे कंफर्म है कि इसमें केमिस्ट्री चल रहा होगा या मैथ चल रहा होगा, जिसकी तुमको जरूरत नहीं है। क्लियर? ठीक है। और जिस टाइम पर तुम्हारा, जिस टाइम पे तुम इस बैच में आएंगे, उस टाइम पे इधर केमिस्ट्री या कुछ वैसा चल रहा होगा, ठीक है, तो इधर वाले पोर्शन का टाइमिंग ही अलग हो चुका होगा, मतलब मीनिंग है टाइमिंग अलग अलग होगा, टेंशन फ्री हो, ठीक है, टाइमिंग अलग अलग होगा। मेरा ये प्रयास है, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, दोनों को ही साथ में, ठीक है, मेरा ये प्रयास है कि आप लोग सुबह 7 या 6:30 अपनी पढ़ाई शुरू करें, 7 या 6:30, जैसे हम लोग क्लास में करते थे ना, 6:30 बजे क्लास शुरू करते थे, ठीक है, तो 6:30 बजे से क्लास शुरू करें, ठीक, और हार्डली 12 बजे 1 बजे तक, नहीं होता कि एकदम हम अपना काम धंधा करके बैठ गए, ठीक, अब आराम से हमको दिन भर टाइम है, पढ़ाई करें, ई करें, फलाना करें, डंका करें, जे करना है वो शुरू कर दे, ठीक है। ये तो शुरुआत में था कि हाँ चलो एगो बैच सुबह में, एगो बैच शाम में है, ठीक है, लेकिन ये बात हमको पहले से पता था कि डेटा वाला प्रॉब्लम सबके साथ आएगा, ठीक, तो धीरे धीरे करके, और मोस्ट प्रॉब्लम इन लोग का मैं अगले वीक में कर ही दूंगा, तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, यहाँ तक सबको क्लियर है ना? चलिए ठीक है, अब मैं मीटिंग एंड कर रहा, ये वाला पोर्शन लिख लेना, तीसरा वाला, और अगर जो लिखने में टाइम लगेगा तो बता देना मुझे, ठीक है सर, बता देना, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले ले, कॉपी पे लिख लेना। हो गया सर।